हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशिम अपडेट्स। होप यू विल बी गुड। आज मैं रिव्यू करूंगा बजाज की पल्सर N160 की, जो कि काफ़ी जानी मानी जा रही है इस टाइम में। देख सकते हो आगे का लुक काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके मडगार्ड भी आगे काफ़ी मजबूत है, तो व्यू देख सकते हो आगे का कुछ ऐसा है। देख सकते हो मडगार्ड जो है काफ़ी मजबूत है। बता दूँ कि आगे डिस्क लगा हुआ है और इसमें डुअल चैन ABS के साथ ये गाड़ी ऑन हुई। तो बता दूँ कि मुझे रोड पर ये काफ़ी गाड़ी दिख रही थी, तो मैंने कहा लाओ एक लोगों से पहचान के थे, मैंने कहा लाओ उनकी गाड़ी का रिव्यू करते हैं, सारी डिटेल तुम्हें देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन है, अक्सर पल्सर की गाड़ियों में रहती है, यहाँ से ऑन ऑफ होती है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये देख सकते हो फ्यूल टैंक है जो कि 14 लीटर का है। और बात की जाए टॉर्क की, तो टॉर्क इसका 14.65 Nm का है। ये देखते हो N160 का लोगो लगा हुआ है। देख सकते हो पीछे का लुक कुछ ऐसा है, टायर काफ़ी दमदार लग रहा है। साथ में देख सकते हो इसका पीछे का इंडिकेटर, और उसके पीछे जो अभी इस गाड़ी पे नंबर नहीं लगा हुआ है। बात की जाए माइलेज की, तो माइलेज जिसका 60 का कंपनी दावा करती है, CC 160 CC माइलेज 60 का। और बात की जाए लुक का, तो ये काली कलर में है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और देख सकते हो व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये इसका फ्यूल टैंक है जो कि 14 लीटर का है। मुझे काफ़ी गाड़ी दिख रही थी, जो लोग चलाते हैं वो चला के बता कमेंट करके बता सकते हैं कि ये गाड़ी कैसी है। और बात की जाए इसके माइलेज की, तो माइलेज 60 का ये ऑन रोड 60 का ये देती है ऑन रोड पे सिटी में। तो बात की जाए सीट की, तो अब तुम्हें दिखाते हैं, तो सीट भी देखने से काफ़ी कंफर्ट लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैं इसको पे बैठ के तुम्हें दिखाऊंगा, तो ये रह सकते हो सीट भी काफ़ी कंफर्ट है। तो बात की जाए आदमी मेन क्या गाड़ी का माइलेज देखता है, सीट कवर देखता है, कंफर्ट देखता है, और कंपनी की सर्विस कैसी होती है। पल्सर की सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है। देख सकते हो ये मेरा साथी गाड़ी स्टार्ट करके निकाल रहा है, दिखाते हैं, देख सकते हो। और बात की जाए इसके ऑन रोड प्राइस की, तो सिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस होते हैं। मान लो कोई दिल्ली का हो, कोई गोरखपुर का हो या लखनऊ का हो, तो सभी जगह के प्राइस अलग अलग स्टेट के हिसाब से होते हैं। तो अभी लास्ट में बता दूंगा इसकी प्राइस कितने की ऑन रोड। देख सकते हो इसका व्यू कुछ ऐसा है। और भी इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं पल्सर की, ये टॉप मॉडल में है। देख सकते हो ये इसका फ्यूल टैंक जो आगे का, इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साथ में पल्सर जो 3D में लिखा हुआ है। और ये इसका फ्यूल टैंक है, देख सकते हो ये इसका डिस्प्ले है जहाँ पे सब कुछ शो करेगा। तो ये ऑन ऑफ की बटन है, तुम देख सकते हो। ये साथ में इंडिकेटर वगैरह के लिए भी दिया हुआ है। ये इसका फ्यूल टैंक है जो कि E20 पर लिखा हुआ है। तो ब्लैक कलर में मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तुम कमेंट करना तुम्हें कैसी लग रही है। गाड़ी तो काफ़ी मजबूत है। और बात की जाए इसके कस्टमर फीडबैक की, तो जिन लोगों से मैंने बात किया वो तो बता रहे हैं कि गाड़ी अच्छी है, धीरे धीरे ये गाड़ियाँ चल रही हैं। बाकी ये लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बात की जाए इस गाड़ी के पीछे की सीट की, तो देख सकते हो सीट भी काफ़ी कंफर्ट है। मैंने बैठ के देखा, ये है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। माइलेज में भी 60 का माइलेज अगर दे रही है तो कम नहीं है। देख सकते हो ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले पर सब कुछ शो करेगा, गाड़ी कितना कितने गियर में है, कितने गियर में नहीं है, फुल स्पीड क्या है, सब कुछ A to Z। गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं होगा तो फ्यूल भी वार्निंग में वो शो करेगा। तो ये गाड़ी तुम्हें जैसे भी लगी हो कमेंट करके बता देना, या वीडियो में जो भी अच्छा बूटा लगा हो कमेंट करके बता देना। और बात की जाए ये, तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गोरखपुर में, तो गोरखपुर में इसकी प्राइस जो है ऑन रोड अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, तो इसकी मैं प्राइस बता दे रहा हूँ तुम्हें। तो ये दोस्त मेरा लेके जा रहा था, बता दूँ ये गाड़ी ऑन रोड प्राइस गोरखपुर में 1,36,000 है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इंश्योरेंस होगा, सभी चीज़ें इसमें शामिल रखे 1,36,000 ऑन रोड पड़ जाएगी। तो ये तुम्हें रिव्यू जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता देना तुम्हें ये रिव्यू कैसा लगा है।